हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कुछ DIYs जो मैंने बनाए हैं ईद डेकोरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम DIY करने वाले हैं इन पुरानी टाइल्स का जो हमारे पास काफी टाइम से पड़ी हुई थी। मैंने सोचा क्यों ना आज इसका कुछ बना लेते हैं। तो देखिए, मैंने टाइल्स को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लिया है। इसका बहुत ही खूबसूरत होम डेकोर आइटम मैं बनाने वाली हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह की पुरानी टाइल्स पड़ी हुई हो तो फेंकने से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये मैंने लिया है वॉल पुट्टी। अब इसका एक थिक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड कर रहे हैं। एक साथ पानी को नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। पुट्टी की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रहनी चाहिए, ना ही थिक और ना ही थिन। ये बची हुई लकड़ी का वुडन वास है जिसे हमने कारपेंटर से बनवाया है। इसके ऊपर हम लगा रहे हैं वॉल पुट्टी। पुट्टी की लेयर थोड़ा सा हम थिन रखेंगे जिससे कि टाइल्स अच्छी तरह से इस पर चिपक जाए। इसी तरह से हम दूसरे वाले पे लगा लेंगे। एक ये मेथड है लकड़ी पे वॉल पुट्टी लगा करके टाइल्स लगाने का, और दूसरा अगर आपके पास वॉल पुट्टी नहीं है तो आप एरल डाइट की हेल्प से भी टाइल्स को लकड़ी पे चिपका सकते हैं। पूरे में हमने टाइल्स को लगा दिया है। अब जो बीच बीच में गैप दिख रहा है इसमें हम पेस्ट को फिल कर देंगे। अच्छी तरह से फिल करने के बाद एक्स्ट्रा पुट्टी को हम हटा रहे हैं। हटाने के बाद इसे रख देंगे ड्राई होने के लिए। ड्राई हो चुका है, अब इसको एक बार और अच्छे से वाइप कर लेते हैं। कितने खूबसूरत क्यूट से वास बन करके रेडी है। अब इसके ऊपर रख देते हैं हम ये फ्लावर। मार्केट में इस टाइप के वास बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। तो देखा कितना आसान तरीके से हमने इसे बना के दिखाया जीरो बजट में। अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अब आप चाहें इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, बट स्पेशली हमने इसको किसी और पर्पस के लिए बनाया है तो चलिए वो भी शेयर करते हैं। ये मैंने लिया है ड्राई बंच। अब इसे वाइट पेंट से हम पूरी ब्रांच को पेंट कर देंगे, और ड्राई होने के बाद ये दोनों ब्रांच को हमने देखिए इसे ज्वाइन कर दिया है। अब इसको रख देते हैं वास में, और पूरी ब्रांच में हम रैप कर देंगे क्रीपर। क्रीपर रैप करने के बाद अब इस लाइट को लगा देंगे। देखिए कितना खूबसूरत होम डेकोर आइटम बनके रेडी है। चलिए इसे ऑन करके दिखाते हैं। इस टाइप का ट्री ब्रांच डेकोरेटिव आइटम मार्केट हो या ऑनलाइन हो, अगर आपको छोटा सा ही क्यों ना लेना हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। सो अगर आप DIY कर लें तो आपके पैसों की बचत तो होगी ही और आपके मन का सामान भी मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट DIY के लिए हमने लिया है ये ब्लू कलर का चार्ट पेपर। साइड से हमने ट्विस्ट किया है और इसे कट कर रहे हैं। अब इसके छोटे छोटे पीसेस इस तरह से ट्विस्ट करके कट कर लेंगे। इसको बीच से फोल्ड करते हुए स्लांट कट करने के बाद इस तरह से शेप बना लिया है। अब इसके ऊपर साइड हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है जिससे कि इजिली हम थ्रेड को लगा सकें। देखिए यहाँ पे हमने लिया है वूलन थ्रेड और इसको ग्लू गन की हेल्प से लगा देंगे। ये लोहे का फ्रेम है जो एक्स्ट्रा मेरे पास पड़ा हुआ था। अब हमने लिया है कार्डबोर्ड, इसे कॉर्नर स्पेस पे हम रख रहे हैं और स्लांट मार्क कर रहे हैं। अब इसे कट कर लेंगे। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं जो वेस्ट हो चुका है, तो हम सोच रहे हैं इसका रीयूज़ कर लें। तो इसमें जितने भी फ्लावर्स हैं, लीव्स लगे हुए हैं, इसको हम कट करके पहले निकाल लेते हैं। अब इस फ्रेम में लगा देंगे कार्डबोर्ड को। और अब इसके ऊपर से लगा देंगे सारे लीव्स एंड फ्लावर्स को। तो जितने भी लीव्स एंड फ्लावर्स थे उसे मैंने डेकोरेट करते हुए इस पे लगा दिया है। फ्रेम के ऊपर साइड लगा देते हैं इस बैनर को। अब इस बैनर पे लिख देते हैं ईद मुबारक। तो यहाँ पे हमने फेविकोल से लिखा है थोड़ा मोटे मोटे वर्ड्स में, और इसके ऊपर डाल रहे हैं ये ग्लिटर पाउडर। पूरे में लगाने के बाद इसे डस्ट कर देंगे और ये देखिए ईद मुबारक बैनर बन के रेडी है।
नेक्स्ट DIY करने जा रहे हैं इस फ्रेम से, तो ये मोटिवेशनल कोट्स फ्रेम है। काफ़ी टाइम से हमने इसे वॉल पे अपने लगा के रखा था, और ये है मिरर स्टिकर जिसे हमने अमेजन से बाय किया था। सो इस फ्रेम के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल बस स्टिकर को इस फ्रेम के ऊपर लगा दिया है, दैट्स इट। मैंने सोचा था इस फ्रेम में मिरर लगाने को, बट वो थोड़ा कॉस्टली भी पड़ रहा था, वेट भी हैवी रहता। सो इस स्टिकर का वेट और रेट दोनों मुझे बेस्ट लगा, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया। नेक्स्ट DIY करने वाले इस प्लांटर का, तो इसको भी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोर किया है। ये जो छोटे वाले राउंड मिरर होते हैं जो मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, सिंपल मैंने इस मिरर को इस पे लगा दिया है ग्लू गन की हेल्प से। और ये देखिए मिरर को हमने इस पैटर्न में लगा दिया है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कीमती भी लग रहा है ना। नेक्स्ट DIY के लिए हमने लिया है ये चावल की बोरी, जो हर घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, प्लास्टिक की बोरी है ये। तो इसको हम पहले कट कर लेते हैं, अब राउंड शेप में इसे कट कर रहे हैं। राउंड शेप में कट करने के बाद अब हमने लिया है ये वाइट रोप, अब इसको सेंटर से स्टार्ट करेंगे लगाना और इस तरह से राउंड करते हुए पूरे में लगाते जाएंगे। एक्चुअली इस बार हम अपने ड्राइंग रूम की जो थीम रखेंगे वो होगी मिरर की, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं जो भी DIY करें उसमें थोड़ा सा मिरर का लुक दें। सो पूरे में रैप करने के बाद एक्स्ट्रा बची प्लास्टिक को कट करके हम हटा देंगे। अब इसके एंड साइड पे ये छोटे वाले मिरर को थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए लगाते जाएंगे। मैट बन के रेडी है, जिसे मैंने बनाया है अपने सेंटर टेबल पर रखने के लिए। नेक्स्ट DIY है ये वुडन रैक, जिसे मैंने एक्स्ट्रा प्लाईवुड से बनाया है। एक्चुअली जब हमारे घर में फर्नीचर का काम लगा हुआ था तो बहुत सारी वुड एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, जो हमारे काम की थी वो मैंने रख लिया था, जो बेकार थी वो मैंने फेंक दिया। सो इसी तरह से ये कुछ पीसेस थी जिसे हमने ज्वाइन करके रैक बना लिया, और बस इसे ब्लैक पेंट से अब हम पेंट कर रहे हैं। सो ऐसे ही मेरे मन में जो आइडिया और जुगाड़ चलता है उसको हम खुद बना लेते हैं और सोचते हैं आप लोगों से भी शेयर कर दें। चलिए फिर मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट 2 में इंशाल्लाह।